आचार्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो जासूस आईएसआई ने रिक्रूट कर रखा है इंडिया में, उसमें कितने प्रतिशत मुसलमान हैं और कितने गैर मुसलमान हैं, ये कैसे मालूम पड़ा? ये दिग्विजय सिंह जी उसी में है क्या? वो रिक्रूट करते हैं क्या? उनको कैसे मालूम है कि ज्यादा मुसलमान, कम हिंदू, ज्यादा मुसलमान, ये सब कैसे मालूम उनको? कैसे मालूम? रिक्रूटिंग एजेंट जवाब देता हूँ। संबित भाई, आप ना आचार्य जी की बात पे विश्वास कीजिए, ना दिग्विजय जी की बात पे विश्वास कीजिए। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरके सिंह की बात पे विश्वास कीजिए, जिन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट इस मुल्क में है आरएसएस आतंक। उन्होंने कहा, उसको आपने मिनिस्टर बनाया, उनको आपने दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। उन्होंने आज तक अपनी बात से वो फेरी नहीं। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा ने बोला कि गोडसे जो है वो एक पेट्रियॉट थे, वो एक देशभक्त थे। वजीर आजम ने बोला मेरा दिल टूट गया है। आप मुझे बताइए, आज 2 महीना हो गया, साध्वी प्रज्ञा पे आपने क्या एक्शन लिया? वो आज भी बीजेपी की एमपी है, वे आज भी आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, वो तो आतंकवाद थे कि नहीं गोडसे, आप मानते हो या नहीं मानते हो, वो तो उसको देशभक्त कह रही है। अंजना जी मैं उत्तर देता हूं। बड़ा दुखद विषय है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारत के ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान के डीप स्टेट अर्थात आईएसआई से पैसा लेके आईएसआई के लिए काम करती है, और उसके एवज में जो डिफेंस करने यहां पे कांग्रेस के हमारे स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो कह रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ऐसी थी, नाथूराम गोडसे वैसा था। अरे आप देश के अंदर की लड़ाई देश के अंदर रखिए, नाथूराम गोडसे को कोई यहां बचा नहीं रहा है, नाथूराम गोडसे के खिलाफ ही हम बोल रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे आचार्य जी, आप आचार्य है, आचार्यों को बीच में चिल्लाना अच्छा शोभा नहीं देता। आचार्य जी आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बताइएगा, मैं उत्तर दे दूं। देखिए, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई सिंह जी ने ये कब कहा कि बीजेपी आईएसआई से आचार्यवर बीच में नहीं, आचार्यवर ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। सनातन में आचार्यों को हमेशा सुनना, ठीक है? आचार्य पूरा करिए, ठीक है? सुन लीजिए। हाँ, धन्यवाद आचार्यवर। ऐसा है आचार्यवर, देखिए दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के आईएसआई से भारतीय जनता पार्टी पैसा लेती है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, बस डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इंडिया की रूलिंग पार्टी, ये पाकिस्तान के आईएसआई से पैसा लेके काम करती है? आप जो दिग्विजय जी ने कहा है उसमें हाँ ना तो बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी पाकिस्तान से पैसा लेके काम कर रही है, बट ये बात दिग्विजय सिंह जी ने भी नहीं कही है। दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है उनके स्टेटमेंट को, उनके ट्वीट को बराबर बार बार अभी अंजना जी ने दिखाया अपने शो में शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा है कि जो लोग पैसा लेते हुए पकड़े गए उनका रिकॉर्ड है, वो बीजेपी और बजरंग दल के सदस्य थे, पदाधिकारी थे। ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। दिग्विजय सिंह जी ने ये नहीं कहा है कि बीजेपी पाकिस्तान से पैसा लेती है। दिग्विजय सिंह एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, वो ऐसा नहीं कह सकते। आप उनकी छवि खराब करने के लिए लगातार प्रयासरत करते हैं, आप उनका करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते रहते हैं। आप करिए, आपको पूरा अधिकार है। दिग्विजय सिंह अगर आपके लिए अधिकार है, आप करिए, आप करिए, हिंदू विरोधी घोषित करने की कोशिश करिए, शांति करिए। शांति आचार्यवर, शांति शांति आचार्यवर, शांति आचार्यवर, सुन लीजिए आचार्यवर। आपने मेरे पे आक्षेप लगाया कि हम जो है दिग्विजय सिंह जी की छवि को बिगाड़ रहे हैं। हम छवि बची कहां है जो हम बिगाड़ रहे हैं? आप भी कैसे बातें करते बताइए, हम छवि बिगाड़ रहे हैं आचार्य पर? वैसे तो मैं आपका बालक हूं, छोटा सा बालक हूं, मगर फिर भी एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है। कांग्रेस पार्टी तो धू-धू आग में जल ही रही है। ये आप लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हैं, आप लोग सती क्यों होने के लिए दौड़े जा रहे हैं कि ये कांग्रेस जल रही है, हम भी उसमें कूद कूद के अपने आप का प्राण दहन कर देंगे? ऐसा क्यों है? अरे आप लोगों को जनता चाहती है, चाहे आप हैं, चाहे तहसीन पूनावाला है, आपको जनता चाहती है, आप उस धू-धू आग में क्यों? देखिए, वो कलिता भुवनेश्वर कलिता जो उनके चीफ व्हिप थे, वो कह रहे थे ना आर्टिकल 370 के समय कि मैं तो ये हट जाऊंगा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस तो आत्महत्या करना चाहती है, वो आत्महत्या कर रही है, आप साथ में रस्सी में क्यों टंगे हुए हैं? ठीक है, आप दोनों से इस पर रिएक्शन बाद में लूंगी। आपके पास सतीश प्रकाश जी, कौन कौन सुसाइड कर रहा है, कौन इस तरह की बयानबाजी करके परेशानियां पैदा कर रहा है पार्टी के लिए? क्या दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक मंदिर गए थे सतीश प्रकाश जी, एक एक मंदिर गए थे राहुल गांधी जी, सब पर पानी फिर रहे? नहीं, देखो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम इस चर्चा को जो है ना बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आतंकवाद की जड़ें अगर धर्म के अंदर ढूंढेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम से वो क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, कहीं मेरी बात सुनिए ना, आतंकवाद का किसी धर्म से संबंध नहीं हो सकता। लेकिन पहले आपने एक पार्टी विशेष ने एक धर्म को उसके साथ जोड़ा,
मुस्लिम आतंकवाद एक शब्द घड़ा, किस पार्टी उसके बाद सुनिए ना, मैं अब सबको मालूम है ना, अब दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी ने एक धर्म विशेष के लोगों की जब एक्टिविटी चेक किया तो उसने हिंदू आतंकवाद की बात करी, बीजेपी और आगे गई, बीजेपी ने भी एक आतंकवादी शब्द घड़ा है कि अर्बन नक्सलाइट के नाम पर के एक नया इन्होंने एक प्रांत यानी एक संप्रदाय पैदा करने की कोशिश करी है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए नहीं, अब वो सुनिए ना, वो आपको सब कुछ मालूम है कि एक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, अगर वो बीजेपी के खिलाफ अगर जाता है तो आप उसको अर्बन नक्सलाइट के नाम पर जो है उसको आतंकवादी ही घोषित कर रहे, तो आप भी वही काम कर रहे। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन तो है, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, अगर सनातन सभा के वहां लोग पकड़े जाते हैं और उनका संबंध अगर धर्म विशेष से होता है तो कहीं ना कहीं उस धर्म की तरफ उनकी रेखा जा सकती है। दूसरी बात, अगर आईएसआई एजेंट, हां मैं मानता हूं कि पहले वो एक धर्म विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर एक परिवर्तन आया है इस देश में कि आप आईएसआई एजेंटों की जो संख्या है ना वो एक धर्म विशेष जो गैर मुस्लिम है, उन्होंने गैर मुस्लिम की बात की है ना, संख्या है नाप लो भाई।